आंवले का मुरब्बा सभी को पसंद होता है, लेकिन इसे बनाना सभी लोगों को नहीं पसंद होता है क्योंकि इसे प्रीक करना पड़ता है, यानी कि गोंदना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है और काफ़ी मेहनत भी लगता है। आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, इससे आंवला प्रीक करना बहुत आसान हो जाएगा। 1 घंटे में आप 4 से 5 किलो तक आंवला प्रीक कर सकते हैं। और मैं आधे घंटे से भी कम टाइम में रसीला आंवले का मुरब्बा बनाने का तरीका भी शेयर करूंगी। तो समय न वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इस तरह से आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दिया है और पानी में उबाल आ रहा है, तो इस पे एक जाली वाली थाली ऐसे रख देंगे और ये आंवला इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम आंवला लिया है और इसको कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस 40% तक पक जाए। 60% हम चाशनी में पकाएंगे। पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है तो चेक कर लेंगे। इस तरह से एक चाकू लेंगे और ऐसे लगा के देख लेंगे तो देखिए इजली इसमें चला जा रहा है। तो बस इतना ही पकाना है, अब इसको निकाल लेंगे। आंवला मैंने थाली से निकाल लिया है और ये ठंडा भी हो गया है, तो अब इसको प्रीक करेंगे। तो एक इस तरह से फॉर्क लेंगे, कांटे वाला चम्मच, और इससे प्रीक करेंगे। बहुत आसानी से प्रीक हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। जितना पास करना चाहे उतना पास हो सकता है, तो इसको बिल्कुल पास पास ही करेंगे तभी मुरब्बा बढ़िया बनेगा। ये देखिए इस तरह से कितनी इजली हो रहा है। वैसे बहुत मेहनत लगता है प्रीक करने में, हाथ में भी लगने का डर रहता है। इस तरह से बॉयल करके प्रीक करने से बहुत आसानी हो जाता है और जो इसका न्यूट्रिएंट्स रहता है वो भी नहीं निकलता है क्योंकि पानी में डाल के बॉयल नहीं किए हैं। और पहले अगर आप प्रीक करके फिर पानी में डाल के बॉयल करेंगे तो सारा न्यूट्रिएंट्स फिर पानी में चला जाता है, तो फिर आंवले का मुरब्बा खाने से फायदा ही क्या। ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, देखिए इस तरह से पास पास कर लेंगे। 2 किलो 3 किलो आप अकेले ही प्रीक करके बना सकते हैं मुरब्बा, और ये बहुत जल्दी मुरब्बा बनके तैयार हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर ही मुरब्बा बनके तैयार हो जाता है इस तरह से बनाने से। ऐसा नहीं है कि इसको पानी में डाल के बॉयल नहीं करेंगे या इसको फिटकरी या चूना के पानी में नहीं डालेंगे तो ये कसैला आएगा, ये बिल्कुल कसैला नहीं होता है। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा और पूरा आंवला प्रीक हो गया है। आप चाहें तो साबुत आंवला इसी तरह से गुड़ की चाशनी में या चीनी की चाशनी में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करके तब बना रही हूँ। इस तरह से आंवले को कट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट हो जा रहा है। ये देखिए हल्का सा बॉयल है तो कट होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए इसका बीज अलग कर देंगे, बहुत आसानी से प्रीक भी हो जाता है और बहुत आसानी से ये कट भी हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से बीज अलग हो जा रहा है। तो देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा आंवला प्रीक होके और कट भी गया है। तो एक पैन या कढ़ाही लेंगे, मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाही लिया है। आप चाहे तो सिल्वर का कढ़ाही ले सकते हैं या स्टील का ले सकते हैं, लेकिन लोहे का कढ़ाही मत लीजिए क्योंकि उसमें ये मुरब्बा बिल्कुल काला हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसमें डाल देंगे इसको, और 1/2 kg आंवला था तो 1/2 kg गुड़ मैंने छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है तो इसको डाल देंगे। आप चाहे तो चीनी में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हेल्दी मुरब्बा बना रही हूँ तो उसमें मैं गुड़ ही डालूंगी क्योंकि आंवले के साथ ये गुड़ मिलके और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। गैस फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इस तरह से इसको चला देंगे ताकि इसके जलने का डर बिल्कुल ना रहे। लो गैस फ्लेम पे ही इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो गया है तो चेक करेंगे, तो देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है और आंवले से भी पानी निकलने लगा है। अब इसके जलने का डर बिल्कुल नहीं है, अभी इसमें से और पानी निकलेगा और पूरा गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसको ढक देंगे और 8 से 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। 10 मिनट हो गया है तो इसको फिर से चेक करेंगे, चाशनी कितनी पतली हो गई है क्योंकि गुड़ भी मेल्ट हुआ है और आंवले का भी पानी निकला है। आंवला देखने से लग रहा है कि अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए आंवला गल चुका है, लेकिन अभी चाशनी बहुत पतली है तो इसको 5 मिनट तक और पकने देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि गैस फ्लेम मीडियम या हाई करके आंवला बिल्कुल ना पकाइए क्योंकि गैस फ्लेम मीडियम या हाई करके अगर आप आंवला पकाएंगे तो चाशनी सूख जाएगी और आंवला कच्चा रह जाएगा और चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी भी हो जाएगी, जम जाएगी। 5 मिनट हो गया इसको पकते हुए तो चाशनी भी देखिए गाढ़ी हो गई है, बहुत ज्यादा गाढ़ी अभी नहीं है, थोड़ी सी पतली लग रही है। अभी जब ये ठंडा होगा तो और ज्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार से थोड़ा सा कम काला नमक, काला नमक आप भी डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा।
और आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर। ये तीनों चीज आप जरूर डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गुड़ का मुरब्बा बना रहे हैं तो, अगर आप चीनी का बना रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप उसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अब गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको तुरंत किसी कांच के बर्तन में खाली कर लेंगे। कांच का नहीं है आपके पास तो स्टील में भी खाली कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर आप लोहे की कड़ाही में या सिल्वर की कड़ाही में या नॉन स्टिक में मुरब्बा बना रहे हैं तो उसको बनने के बाद तुरंत ही खाली कर लीजिए, किसी कांच के बर्तन में या तो किसी स्टील के बर्तन में। तो मैं भी इसको कांच के बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। तो देखिए आधे घंटे के अंदर ही मुरब्बा बनके तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बिल्कुल इसमें खट्टापन नहीं आएगा और इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सब इसी में है, कुछ भी बाहर नहीं निकला है क्योंकि हम इसको पानी में नहीं बॉयल किए हैं। इसको बनाते समय बस आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा हाई गैस फ्लेम पे नहीं इसको पकाएंगे, गैस फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पे ही धीरे धीरे जितना बढ़िया से पकेगा उतना ही बढ़िया मुरब्बा बनके तैयार होगा। तो इसको पकने में 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि इसको कट करके तभी हम पका रहे हैं। अगर आप साबुत पकाएंगे तो 30 से 35 मिनट लग सकता है। जिस तरह से मैंने गुड़ का मुरब्बा बनाया है आप सेम इसी तरह से चीनी का मुरब्बा भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी गुड़ और चीनी के मुरब्बे की रेसिपी डाली है, आप लोगों का बहुत ज्यादा उस पर प्यार मिला है। उम्मीद करती हूँ इस मुरब्बे की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको मैंने देखिए कांच के बाउल में रख लिया है, आपके पास कांच का बाउल नहीं है तो आप स्टील के किसी बाउल में रखिए और जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको किसी कांच के जार में रखिए, प्लास्टिक में मत रखिएगा क्योंकि प्लास्टिक के जार में ये जल्दी खराब होगा। कांच के जार में रखिएगा और एयर टाइट जार रहे और इसको जब भी निकालिए तो साफ और सूखे चम्मच से निकालिए। इसका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद करके रखिएगा तो 1 से 1.5 साल तक नहीं खराब होता है। इसके अंदर पूरी चाशनी भरी हुई है क्योंकि इसको हम पहले फ्रीज किए थे उसके बाद मुरब्बा बनाए हैं। बहुत से लोग मुरब्बा खा लेते हैं लेकिन चाशनी बच जाती है, चाशनी खाना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर आपकी भी चाशनी बच जा रही है तो आप इसका आंवला पापड़ बना सकते हैं। उस आंवला पापड़ को भी 1 से 2 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होता है। जब आंवले का सीजन नहीं रहता है तब आप उस आंवला पापड़ को खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मुरब्बा बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।